विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, हमारे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति गर्ग साहब, बीकानेर कुलगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति अम्बरीश जी, पूर्व कुलपति हमारे पीएचडी गहलोत जी, अन्य हमारे शिक्षा विज्ञान यहाँ उपस्थित कृषि विशेषज्ञगण, आचार्यगण, गणमान्यजन, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, यह बहुत ही सुखद है कि स्वामी विवेकानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कृषि महाविद्यालय द्वारा कृषकों की आय वृद्धि हेतु कृषि में विविधीकरण विषय पर इस तरह की गहरा की संगोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है। यह समय कृषि से जुड़ी बहुत सारी मौसमी चुनौतियों का है। ऐसे दौर में यह जरूरी है कि मानसून पर निर्भर रहने वाले कृषि से जुड़े हमारे अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की आय वृद्धि के लिए कुछ ऐसा किया जाए तो उन्हें मौसम की मार का खामियाजा कम से कम झेलना पड़े। व्यक्तिगत मैं ये अनुभव करता हूँ कि कृषि में विविधीकरण के साथ ही कृषि उत्पादों के संग्रहण, उनके उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों पर अधिकाधिक कार्य किया जाता है तो बहुत कुछ भविष्य के लिए हम सार्थक कर सकेंगे। कृषि विपणन के कारगर तरीकों पर सीनियर स्तर पर इस समय चिंतन करने की जरूरत है। अभी जो प्रगति रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की गई है उसमें इस बात को कहा गया विशेषकर बाजार के बिस्किट और अन्य भी जो सामान यहाँ से तैयार किए जाते हैं उनके विपणन के लिए अलग प्रकार की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ के बाजरा के बिस्किट को पेटेंट भी कहा गया है। ये मैं समझता हूँ इस कृषि विश्वविद्यालय की ये महती देन है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। कृषि विपणन के कारगर तरीकों पर वृहद स्तर पर इस समय चिंतन करने की आवश्यकता है। कई बार फसल खेतों में लहलाती है, अधिक उत्पादन होता है परंतु उसका विपणन प्रभावी रूप में नहीं होता है। ऐसे में किसान की मेहनत के बावजूद उसे जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इस दिशा में प्रभावी प्रयास होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आज भी रहे पर कृषि में पारंपरिक के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों को भी अधिकाधिक समाहित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के हमारे कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वह किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि किसी एक ही फसल पर निर्भरता न रखकर विविधता को वह अपनाएं। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसी फसलों के बारे में किसानों को जागरूक करे जो कम पानी में और मौसम की मार झेलने के बाद भी पनप सके। इसी से कालांतर में कृषि से आय में वृद्धि हो सकती है। कृषि में विविधीकरण का अर्थ है धरती से अन्न ही नहीं उपजाएं बल्कि दाल, सब्जियां, फल, फूल, मसाले, औषधि, पौधे आदि के लिए भी निराई गुड़ाई की जाए। इससे न केवल हम अपने खाद्य और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बल्कि इन उत्पादनों के नए बाजार और अतिरिक्त आय के स्रोत पा सकते हैं। क्योंकि इस समय कीमतों में अस्थिरता, अप्रत्याशित मौसम आदि की चुनौतियों से जूझ रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से मौसम पूर्वानुमान के बहुत फायदे भी हुए हैं पर खड़ी फसल पर जब ओलों की और अप्रत्याशित वर्षा की मार होती है तो बहुत नुकसान सीधे तौर पर
किसानों को झेलना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि कृषि में विविधीकरण के लिए उन्नत तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नत को अपनाते हुए ऐसा कुछ किया जाए कि किसानों को अतिरिक्त आय हो। इसके लिए ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय बीजों के उत्पादन पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन में वैरायटी रहे। मेरा ये भी सुझाव है कि जो कुछ उत्पादन किसान करे उसकी बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था हो। स्थानीय बाजारों के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी कैसे किसानों के उत्पाद पहुँचे, इसे भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाएगा, तभी किसानों की आय वृद्धि की दिशा में सार्थक कुछ हो पाएगा। कृषि उत्पादों की पैकेजिंग में नवीनतम मानकों का अनुसरण कैसे किया जाए, इसके लिए भी किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करें जिनमें किसानों को नवीनतम ज्ञान से लाभान्वित किया जा सके। यह समय खेती में नई संभावनाओं को खोजे जाने, नवाचारी दृष्टिकोणों को अपनाने का है। इसी से किसानों को सशक्त बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इन सारी बातों को देखने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरह के नवाचार हो रहे हैं, किस तरह से किसानों को लाभ प्रदान करने के दृष्टि से और भी चीज़ें की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और जानने के लिए और साथ ही साथ किसानों से साक्षात वार्ता करने के लिए मैं अगले महीने से कार्यक्रम बना रहा हूं और हर किसी विज्ञान केंद्र पर मैं जाने का प्रयास करूंगा। कृषि में विविधीकरण के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है किसानों को वैकल्पिक फसलों और मूल्यवर्धित उत्पादों की खेती को बढ़ावा देना। पारंपरिक फसलों ने हमारी वर्षों से बेहतर सेवा की, लेकिन अब नई संभावनाओं को अपनाने का समय है। किसानों को चाहिए कि वे अदरक, अनार, औषधीय पौधे और मसालों जैसी महंगी मूल्यवान फसलों की खेती को बढ़ावा दें। इनके पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग तेजी से बढ़ी। इन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए भी किसानों को कृषक से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसी से सही माने किसानों की आय में वृद्धि के अवसर हम बढ़ा सकते हैं। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि किसान के और खेती बाड़ी पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं रहे, उन्हें पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन आज से भी जुड़े रहना चाहिए। पशुपालन को कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने से दूध, मांस, अंडे और अन्य उपयोगिताओं की बिक्री से किसान आर्थिक रूप में तेजी से सशक्त हो सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों को चाहिए कि वे गैर कृषि गतिविधियों से भी जुड़े। पर्यटन उद्योग इस समय तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। कृषि के अंदर कृषि आधारित उद्योग विकसित करने की आवश्यकता है। जगह जहां कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग के स्वरूप को भी निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर इस ढंग से कार्य किया गया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि छोटे छोटे किसानों को भी अत्यधिक लाभ होगा, जुड़ित आय में बढ़ोतरी होगी। इसे जुड़ने की आवश्यकता है। पर्यटन उद्योग इस समय तेजी से विकास की ओर अग्रसर, ग्रामीण पर्यटन नए अवसर सुनिश्चित हो रहे हैं। किसानों को चाहिए कि पारंपरिक अपने व्यवसाय के प्रदर्शन, हस्तशिल्प और खेतों को इस रूप में तैयार करें जहां पर्यटन के लिए आकर्षण बढ़े। इससे ग्रामीण पर्यटन से होने वाली आय से भी वह लाभान्वित हो सकेगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर कृषि क्षेत्र में विश्वभर में भारतीय कृषि संस्कृति को स्वीकारा है।
जल कृषि को सुधारा। भारत की पहल पर ही पूरा विश्व वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। ये विश्व मना रहा है। ये भारत की पहल, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो जोर दिया गया कि जो अन्न मिनट से जो अन्न प्रकार के अनाज है वो भी पोषक तत्व है और इसको उत्पादन करना आवश्यक है। इस पर पूरे विश्व में जोर देने की आवश्यकता है जिससे भरण पोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मिनट में आज भी हम बहुत अधिक संपन्न हैं। ज्वार, रागी, कुट्टू, सावा, बाजरा, कोदो जैसे पोषक अनाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन पोषक अनाजों में गेहूँ, धान जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम और जस्ता जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन पोषक अनाजों की खेती के लिए राजस्थान में विशेष प्रयास किए जाए। किसानों को इनकी उन्नत किस्म की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन उत्पादों के विपणन, इनके बाजार और इनसे जुड़े आकर्षक पैकेजिंग के लिए भी विशेष कारखानाएं विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आयोजित की जाए ताकि ये स्थानीय किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यह समय बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। बढ़ती जनसंख्या, घटती जोर, प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट, घटता जल स्तर, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, मृदा की उर्वरता में कमी, जलवायु परिवर्तन आज से खेती पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर उनको समृद्ध बनाया जाए। निश्चित ही इसमें कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय किसानों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ऐसे शोध और अनुसंधान पर ध्यान दें जिनसे कृषि का वैज्ञानिक विकास हो और किसानों को पैदावार का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जो प्रगति संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया था उसमें शोध और अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि शोध और अनुसंधान के माध्यम से अनेक ऐसे नए बीज का भी सृजन किया गया है जिसके माध्यम से किसान लाभान्वित हो सकता है। इसके अंतर्गत कृषि में रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों का विकास भी जरूरी है। इसके अंतर्गत कृषि उद्योग, ई मार्केटिंग, जैविक खेती, कम लागत के इनपुट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहायक बुनियादी ढांचे आज को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि विविधीकरण के अंतर्गत सहायक गतिविधियां जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन गतिविधियां जैसे बकरी पालन, शुकर पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन आज से भी किसानों को कैसे जोड़ा जाए इस पर भी कार्य किया जाए। किसी से आय बढ़ सके तथा किसानों तथा कृषक का जोखिम कम हो सके। किसी में विविधीकरण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसको अपनाने से देश के सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत मदद मिलेगी। हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी यह बहुत कारगर है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर स्थिरता के साथ ही जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने की दृष्टि से कृषि विविधता बहुत अधिक सार्थक है। इसलिए इस दिशा में नवाचार अपनाते हुए सभी स्तरों पर प्रयास होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यशाला में कृषि विविधता के आलोक भविष्य में कृषि के जरिए किसानों के आय वृद्धि पर महती विमर्श होगा। इसे भारतीय कृषि में
नए आयाम जुड़े। मैं समझ रहा हूँ कि सभी को अत्यधिक गर्मी परेशान कर रही है, क्योंकि देख रहा हूँ लोग भाग रहे, मुझे भी परेशान कर रही है। इसलिए इस संबंध में क्योंकि आप सब लोग विज्ञ हैं, जानकार हैं और अधिक जानते हैं, इसके बारे में और भी कुछ बोलने की आवश्यकता मैं अनुभव नहीं करता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षा तो दी जाती है, व्यवहारिक दृष्टि से भी लोगों को ज्ञान कराया जाता है, शोध और अनुसंधान का भी प्रमुख रूप से कार्य होता है, नवाचार भी किए जाते हैं, और इतना ही नहीं तो उत्पाद के विपणन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कृषि प्रसार केंद्र भी है, भवन भी है, उसका उपयोग इस दिशा में किया जा रहा है। और अभी चले जो सुझाव मैंने दिए हैं उस सुझाव के अनुरूप काम करने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ किसानों के आय में दुगुणित त्रिगुणित बढ़ोतरी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।